यहाँ बस एकदम पुराना जमाने का शिल्प बना हुआ है इस साइड। आपका अभी झूला उला एकदम तैयारी हो रहा है। कड़ाही करछुल जो पिछले साल हम दुकान लगाए थे वहाँ, इन बोल रहे समिति वाला बोल रहे कि हमको समिति वाला दिए हैं, हर साल हम लगाते हैं दुकान यहाँ। मतलब ये तुमन का पूरा काम होगी से। और इधर से देखिए इधर का नज़ारा। यहाँ का तैयारी पूरे प्रशासन टीम के द्वारा समिति पंचायत ब्लॉक जनपद से सभी प्रकार का सेवा को ध्यान में देते हुए, अनुशासन को ध्यान में देते हुए बहुत भव्य रूप से महर्षि जमदाग्नि तपो स्थल का, महापाषाण स्वयंभू अर्धनारेश्वर गौरी शंकर का भव्य अभिषेक, महाशिवरात्रि शुभ विवाह होगा। जय महाकाल, हर हर महादेव। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मोहर और हमारे YouTube चैनल मोहर राज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज दिन है गुरुवार और हम आ गए हैं देवगढ़ में। और चलिए दोस्तों आप सभी को आज देवगढ़ का वीडियो दिखाते हैं, तो आप सभी वीडियो पर बने रहिएगा। और हमारे साथ आज हमारे दोस्त रामधन राइडर, जो कि बहुत ही अच्छे राइडर हैं, रामधन राजवाड़े ब्लॉग नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। और भाई कैसा लगा यहाँ के? बढ़िया बढ़िया लगा, एक नंबर एक नंबर। कहाँ से आए हो यार, बता दो एक बार हमारे। परशुरामपुर से आए हो भाई। और हम लोग अभी आप सभी को देवगढ़ दिखाएंगे। और देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है देवगढ़ धाम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। तो चलिए आप सभी को आज देवगढ़ का वीडियो दिखाते हैं, तो आप सभी वीडियो पर बने रहिएगा। और देखिए भाई हम लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, सामने की ओर है यहाँ का मेन एंट्री गेट देवगढ़ धाम का। और इस साइड आपको देखने को मिलेगा, इस साइड मेला उला है भाई, मतलब यहाँ से मेला स्टार्ट हो जाएगा और इस साइड से भी मेला स्टार्ट हो जाएगा। और हम लोग को अभी आगे की ओर जाना है। और यहाँ पर देखिए पूरा बिल्डर विलियर लग जा रहा है। और चलिए अंदर की ओर चलते हैं और अंदर साइड भी अभी आप सभी को दिखाते हैं। और इधर से हम लोग एंट्री करते हैं और देखिए सामने की ओर झूला उला भी बन रहा है भाई, मतलब झूला उला एकदम। और इधर इस साइड भी, और भैया हाय बोल रहे हैं। और चलिए अभी चलते हैं आगे की ओर और आगे की ओर दिखाते हैं आप सभी को। और चलिए हम लोग चलते हैं अभी आगे की ओर और आगे साइड भी अभी आप सभी को दिखाते हैं। पहले मंदिर चले और इधर चलिए, पहले हम लोग इधर की तैयारी भी दिखाते हैं आप सभी को। पहले तो हम लोग मंदिर का सैर कराएंगे, उसके बाद आप सभी को अगल बगल का भी सैर कराएंगे कि यहाँ कितना तैयारी हो गया है। तो देखिए इधर से पूरा एकदम तैयारी बेहतरीन तरीके से। और इधर देखिए फल भी, और कल है महाशिवरात्रि, तो कल एकदम बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ हो जाएगी भाई, मतलब एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ लगा हुआ है, मतलब मेला उला। और यहाँ 3 दिन का मेला रहता है भाई। और देखिए इधर भी है, इस साइड भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए अभी इधर चलते हैं, इस साइड भी अभी हम लोग जाएंगे और दिखाएंगे इस साइड भी। तो पहले तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं और आगे साइड भी अभी आपको दिखाते हैं। और देखिए इधर हनुमान जी से पूछा, दो तोड़ा बोले बंदर का स्वभाव क्या होता है, खाना होता है। इधर भी दुकान है, दोनों साइड आपको इस साइड भी और इस साइड भी। हमने किसी की हत्या तो नहीं करी। और देखिए इधर होटल उटल भी है भाई, मतलब इस साइड आपको होटल देखने को मिलेगा, इस साइड भी होटल है। और इधर भी पूरा एकदम, मतलब पूरा लग रहा है भाई, मतलब इधर पूरा एकदम होटल दुकान बहुत ज़्यादा। और कल बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा भाई, मतलब यहाँ 3 दिन का, मतलब बोल रहे हैं कि 3 दिन का मेला लगता है यहाँ, 3 दिन का। देखिए इधर और मंदिर किधर है भाई, यहाँ का इधर है और इस साइड है मंदिर। चलते हैं इस साइड भी और दिखाते हैं। और इधर देखिए तो नज़र आ रहा है मंदिर। और देखिए भाई इधर पूरा, और देखिए भाई इधर दुकान यहाँ पर, और यहाँ पर एक घर का पेड़ दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा भाई। और देखिए इधर पूरा आपको दिखने को मिलेगा, कहाँ से स्टार्ट हो जाता है भाई। और इधर देखिए भाई इधर पूरा एकदम बना हुआ है और यहाँ पर एक बगल का बहुत बड़ा पेड़ है, कहाँ से दुकान स्टार्ट हो जाता है। उनका क्या है, और यहाँ पर कुछ कथा हो रहा है, निश्चर विकर निवासा ये असुरों का राज्य है, हो रहा है अंदर से है कि यहाँ जाए। अगर आप सोचोगे तो असुर की कोई जान नहीं। इधर से देखिए इधर का नज़ारा, और चलते हैं अभी। अच्छा इतने मिला क्या थी हमारे दोस्त मान लीजिए।
और चलिए भाई इधर दिखाते हैं। अरे और कैसे साहब? ठीक ठीक है यार। और साहब जय राम। जय राम यार। आए बरे सही ले हमके तो बढ़िया। और चलिए भाई अभी मंदिर की ओर चलते हैं और दिखाते हैं मंदिर तरफ का नज़ारा। और हम लोग देखिए यहाँ पर मंदिर है, मंदिर के प्रांगण में पहुँच गए हैं और धूप बहुत तेज है भाई, एकदम बहुत तेज है। और ये भाई तो अपना हेलमेट एकदम पकड़ लिया है एकदम जबरदस्त उतार के। तो चलिए अभी हम लोग मंदिर की ओर चलते हैं और दिखाते हैं मंदिर तरफ का नज़ारा। चलिए भाई मंदिर की तरफ चलते हैं और मंदिर तरफ अभी आप सभी को दिखाते हैं मंदिर प्रांगण की ओर। और देखिए इधर और देखिए भाई यहाँ पर मतलब एकदम व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर मतलब बनाया गया है। यहाँ पर देखिए सराउंडिंग वाला मतलब यहाँ से आप आराम से जा सकते हैं। तो अभी हम लोग भी चलेंगे अंदर की ओर और अंदर साइड भी अभी आप सभी को दिखाएंगे। और यहाँ पर बैरियर बनाया गया है भाई, मतलब सराउंडिंग वाला लगाया गया है। मतलब यहाँ से आप ऐसे ऐसे घूम घूम के मतलब घुमावदार बनाया गया है। एक तो उस साइड से बनाया गया है और एक इस साइड से बनाया गया है। और वहाँ से आइएगा तो ऐसे घूम घूम के एकदम फिर अंदर की ओर आप मंदिर की ओर जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायत देव टिकरा दिखाया गया है। अभी हम लोग मंदिर की ओर चलेंगे और मंदिर का भी दर्शन कराएंगे आप सभी को। और इधर देखिए भाई इधर आपको देखने को मिलेगा गौरी शंकर मंदिर, रामेश्वरम मंदिर और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, जय श्री राम जय हनुमान। और यहाँ पर नागेश्वर मंदिर यहाँ पर इस साइड आपको देखने को मिलेगा इधर। और इधर एक तो कुटिया है भाई, मतलब आपको कुटिया देखने को मिलेगा इस साइड। और देखिए और इधर से देखिए देवगढ़ मंदिर का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है भाई, एकदम खूबसूरत मंदिर। और चलते हैं भाई इस साइड से, तो रास्ता मतलब क्लोज है, बहुत घुमावदार है, तो इस साइड से हम लोग को जाते नहीं बनेगा। और हम लोग उस साइड से चलते हैं और उस साइड से अभी आप सभी को दिखाते हैं। हम लोग सोचे कि इस साइड से रास्ता होगा पर इस साइड रास्ता नहीं मिला हम लोग को। और इधर देखिए बहुत लोग अपना सामान वामान ला के रखे हैं भाई इस साइड। चलते हैं अभी आगे की ओर और आगे साइड भी अभी आप सभी को दिखाते हैं। और देखिए इधर, और यहाँ बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है भाई। और यहाँ से देखिए मंदिर का नज़ारा, यहाँ पर एकदम पुराना जमाने का शिल्प बना हुआ है इस साइड आपको देखने को मिलेगा इधर पूरा एकदम। और इस साइड भी देखिए कलाकृति एकदम पुराने ज़माने का, यहाँ पर जय श्री राम जय हनुमान। और देखिए इधर पुराना पुराना पत्थर आपको देखने को मिलेगा भाई। और मंदिर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मूर्ति मंदिर है यहाँ पर। और देखिए इधर पूरा एकदम पुराना पुराना देखने को मिलेगा भाई। और दोस्तों हम लोग अभी मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए हैं और देखिए हमारे साथ राम भाई है। और अभी हम लोग ये देखिए आप सभी को दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा, मतलब अंदर साइड का मूर्ति कैसा है। और यहाँ पर जय श्री राम। दोस्तों अभी हम लोग देवगढ़ के प्रांगण में पहुँच गए हैं और अभी हम लोग यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बात भी करेंगे और पूछेंगे उनसे कुछ जानकारी। तो महाराज जी नमस्ते। हाँ प्रणाम। आपका नाम क्या है भाई? मेरा शुभ नाम कांता प्रसाद वैष्णव देवगढ़ पुजारी। और मेरे बाजू में है वो मेरे चाचा पिताजी श्री उमेंद्र नाथ वैष्णव देवगढ़ पुजारी। मतलब आप देवगढ़ के पुजारी हैं? जी जी। और ये तो बताइए मतलब यहाँ का जो सुनने में आया है कि महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है महाशिवरात्रि का, तो उसका तैयारी वारी हो गया है पूरा? हाँ सर, यहाँ का तैयारी पूरे प्रशासन टीम के द्वारा समिति पंचायत बलांक जनपद से सभी प्रकार का सेवा को ध्यान में देते हुए, अनुशासन को ध्यान में देते हुए बहुत भव्य रूप से महर्षि जमदाग्नि तपो स्थल का, महापाषाण स्वयंभू अर्ध नारेश्वर गौरी शंकर का भव्य अभिषेक, महाशिवरात्रि शुभ विवाह होगा। जय महाकाल, हर हर महादेव। और यहाँ मतलब पूजा उजा करने कितने दूर दूर से आते हैं पुजारी जी? हमारा यहाँ देवगढ़ में चारों धाम से आते हैं। चारों धाम से? और लगभग भीड़ कितना हो जाती होगी यहाँ? भीड़ यहाँ लाखों हजारों के संख्या में होता है, प्लस प्रति सोमवार हर हफ्ता में आपको यहाँ गौरी शंकर का दर्शनार्थी मिलेंगे। और ये देखिए यहाँ पर हम लोग देखे कि इधर पूरा बैरियर उरियर पूरा लगाया गया है, मतलब इतना ज्यादा भीड़ हो जाता है कि मतलब यहाँ से बारी बारी सबको आने देते हैं कि नहीं? यहाँ जो बैरिकेटर लगा है इसका मतलब है एक ठो में नारी रहेंगे महिला, एक जने में जेंट्स पुरुष। मतलब
एक साइड आपका मतलब जेंट्स रह जाएंगे, एक तरफ पुरुष, हाँ मतलब दोनों का मतलब बीच बीच में उन लोग का दोनों का एक साइड से छोड़ेंगे, वहां से आएंगे और पूजा वूजा करेंगे जी मतलब सर। उसमें से ऐसे लगा पुलिस टीम के माध्यम से, पुलिस टीम के माध्यम से जी सर। तो यहां तैयारी पूरा कंप्लीट हो गया है यहां सर, यहां पूरा तैयारी हो गया है। 12 बजे के बाद उधर ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे से महाशिवरात्रि का जल धारा अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। मतलब आज मतलब 8 तारीख को सर, 8 तारीख को मतलब शुक्रवार को सुबह 4 बजे से, हाँ नेक्स्ट। और यहाँ के मतलब और इधर हम लोग देखे इस साइड पुराना शिल्प मूर्ति और बहुत कुछ मतलब उस साइड पीछे साइड हम लोग वहाँ देखे, तो यहाँ वो सब कब से है? यहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्थापित महर्षि जमदाग्नि के कर कमल से किया गया था और अभी कुछ खंडित है, कुछ अभ्रंश है, कुछ अधूरा है। आखिर यहाँ ज्योतिर्लिंग द्वादश शिवलिंग का स्थापित है देवगढ़ धाम में। और ये लगभग स्थापित कितने वर्ष हो गया है लगभग ये देवगढ़ धाम को स्थापित हुए? सर ये 50 वर्ष से ऊपर हो रहा है जी, 100 साल से अंदर, 100 साल का अंदर का है देवगढ़ स्थापित। और हम लोग वहाँ पर खंडित मूर्ति भी देखे हैं, मतलब कुछ उस साइड मतलब मूर्ति और बहुत कुछ शिवलिंग भी देखे हैं, तो उधर भी पूजा वूजा होता है, सब कुछ होता है। हाँ यहाँ पर पूरा बताया ना अभी, ज्योतिर्लिंग शिवलिंग जी का स्थापना है और यहाँ पर जैसे ब्रह्मा जी हो गए, विष्णु जी हो गए, नवग्रह हो गए, बजरंग जी हो गए, दुर्गा माँ हो गए, इत्यादि समस्त देवी देवताओं का बढ़िया भव्य रूप से और हार्दिक दिल से सभी दर्शनार्थी श्रद्धालु पूजा पाठ ध्यान करते हैं, अर्चन करते हैं। धन्यवाद। और एक सवाल और पूछना था आपसे, मतलब यहाँ जो मेला लगता है, मतलब हम लोग मेला देखे तो बहुत दूर से, मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक आपका यहाँ पर मेला उला पूरा लग गया है, और इस साइड मतलब इतना ज़्यादा मतलब भीड़ होता है कि पहले के मुकाबले यहाँ भीड़ अब बढ़ते जा रहा है, तो उसका मतलब आपके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है मतलब यहाँ पूजा वूजा कराने में जैसे? और कुछ मंदिर में आप देख रहे हैं कोरोना काल से जो ठोंगी लगाया गया है दिखाई दे रहा है जल अभिषेक पात्र, उसी के माध्यम से मंदिर को बंद करके और बाहर से ठोंगी का बनवा के जल अभिषेक पूजा पाठ किया जाता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो चलिए भाई अभी आप सभी को हम लोग और दिखाते हैं, मतलब इस साइड भी मंदिर के प्रांगण साइड अभी आप सभी को दिखाएंगे, मतलब चारों साइड घूम के, और हम लोग पूजा भी करेंगे और इधर भी दिखाएंगे, और हम लोग आप सभी को मेला भी दिखाएंगे, मतलब इधर मेला उला भी लगा है उस साइड भी आप सभी को दिखाएंगे, तो आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा। के भाई यहाँ पास बैरिकेड बनाया गया है, इस साइड से आपको बैरिकेड देखने को मिलेगा, और यहाँ पास ये देखिए इसी में जल चढ़ाया जाता है, यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पास जैसे शंकर भगवान जी का शिवलिंग है वहाँ पास डायरेक्ट मतलब यहाँ से जल भी चढ़ाएंगे, दूध भी चढ़ाएंगे, डायरेक्ट वहाँ गिरता है, और यहाँ से दर्शन करके जितने भी हैं सब यहाँ से दर्शन करके अपना जल चढ़ा के वापस चले जाएंगे। और इधर देखिए भाई इस साइड आपको देखने को मिलेगा, मतलब इस साइड पूरा एकदम मतलब एक साइड जेंट्स के लिए बनाया गया है और एक साइड लेडीज के लिए आने के लिए बनाया गया है इस साइड। और इधर देखिए भाई मतलब यहाँ पास एक तो शेर का मूर्ति, और यहाँ पर और देखिए यहाँ पास, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा बहुत ही, इधर पूजा वूजा भी हो रहा है, मतलब इस साइड आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पूजा वूजा भी कर रहे हैं। और इस साइड आपको देखने को मिलेगा भाई, मतलब इधर पूजा वूजा के लिए और कुछ कुछ है, मतलब इस साइड आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से देखिए भाई शिवलिंग, और कल यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाएगा, बहुत ज़्यादा एकदम यहाँ एकदम, और यहाँ से शिवलिंग देखिए बहुत ही बेजोड़ का दिख रहा है, इस साइड लोग पूजा वूजा भी कर रहे हैं, और देखिए भाई हम लोग यहाँ पूजा वूजा भी कर लिए हैं और दर्शन भी कर लिए हैं शंकर भगवान जी का, और अभी हम लोग मेला की तरफ चलते हैं और मेला तरफ भी आप सभी को दिखाते हैं, तो आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा। भाई अभी हम लोग आप सभी को मेला दिखाते हैं, तो पहले हम लोग इस साइड चलेंगे फिर उस साइड चलेंगे, तो चलिए इधर से दिखाते हैं आप सभी को मेला, यहाँ कैसा मेला लगा हुआ है। इस साइड देखिए, इस साइड भी दुकान उकान एकदम बना हुआ है, खिलौना उलौना और बहुत कुछ है इस साइड, और इधर बैग उग का सामान दिखेगा आपको, और इधर देखिए इधर बहुत कुछ देखने को मिलेगा भाई,
इस साइड इधर अभी लगे रहा है, मतलब इस साइड सामने की और इधर पूरा दुकान दुकान लगे रहा है, और इस साइड और देखिए इधर इस साइड भी पूरा, और कल तक यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब लग जाएगा भाई, मतलब बहुत ज़्यादा इधर कल मेला उला पूरा लग जाएगा। इधर देखिए इस साइड से झूला टैक्स चल रहा है, और अभी दिखाते हैं आप सभी को भाई इधर, और अभी तो इधर बंद है, मतलब इधर बंद बंद दिख रहा है एकदम, और इधर होटल उटल आपको देखने को मिलेगा इधर पूरा, और इधर और कुछ छोटे छोटे खिलौना और बहुत कुछ, और इधर होटल भी है भाई, से चल रही है और एकदम जोर शोर से तैयारी यहाँ चल रहा है भाई देवगढ़ में, और सामने झूला भी दिख रहा है। इधर पूरा आपको होटल ही दिखेगा, मतलब इस बार आपको होटल दिखेगा। अभी हम लोग उस साइड भी चलेंगे, मतलब हमारे राइट साइड में भी, और उस साइड भी अभी आप सभी को दिखाएंगे कि उधर का तैयारी कैसा है। पहले तो हम लोग इस साइड से दिखा लेते हैं आप सभी को। अब भैया तैयारी वारी हुआ थे? नहीं होते भाई। कैसे कैसे का लफड़ा हुआ थे यार, गया ना बताओ ना का लफड़ा हुआ था? बोल रहा हूँ पिछले साल दुकान लगाए थे वहाँ, बोल रहे समिति वाला बोल रहे कि हमको समिति वाला दिए हैं, हर साल हम लगाते हैं दुकान यहाँ। तो अब कैसे हुई, मतलब हर साल लगा था तो उसको इस पर साइड में करेंगे, करवा देते हैं हम लोग वहाँ अपने जगह में हो जाते हैं। बोल रहे मुकेश बाबू थोड़ा सा कोई दिक्कत है तो क्या दिक्कत हो, कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए भाई अभी आगे की ओर चलते हैं, और आगे साइड भी अभी आप सभी को दिखाते हैं, और दुकान का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मतलब जगह उगा का, और इधर बहुत लोग मतलब कल बहुत ज़्यादा है, दो तीन दिन का यहाँ मेला रहता है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ भी लगता है, उसके वजह से थोड़ा सा जगह का मारा मारी होता है। और चलिए अभी आप सभी को वहाँ झूला है, वहाँ झूला के साइड दिखाएंगे आप सभी को, और देखिए भाई इधर इस साइड आपको देखने को मिलेगा, इधर पूरा होटल उटल एकदम व्यवस्थित एकदम, और इस साइड भी होटल इधर, और गन्ना उन्ना जूस वूस बहुत कुछ मिलेगा देखने को। देखिए सब यहाँ पर ला रहे हैं, और इस साइड चलिए आप सभी को दिखाते हैं इस साइड, और इस साइड देखिए मतलब यहाँ पर आपको दिखने मिलेगा इधर भी, इस इलाका बोलते हैं भाई, इसमें गाड़ी उड़ी कुछ ऊपर जाकर भी दिखाते हैं, उधर सराउंडिंग कुछ बंद मतलब एकदम राउंड मार्च है वाला है। ये देखिए भाई यहाँ पर मौत का कुआं जो बोलते हैं वो है इस साइड, और यहाँ पर ब्रेक डांस है, और यहाँ पर एक बड़ा सा झूला है आपको देखने को मिलेगा, इधर भी ये देखिए मतलब चलिए रहा है इस साइड भी, और इधर देखिए रेलगाड़ी है इस साइड, मतलब मीना बाज़ार में जो कुछ रहता है वही सब है यहाँ पर भी, और इधर देखिए और भैया लोग लगा रहे हैं इस साइड, एकदम एरोप्लेन दिख रहा है भाई। अब भैया कब तक तैयारी हो जाएगी, तैयारी कब तक हो जाएगी, हो गया मतलब ये तुमन का पूरा काम होगी से, यहाँ एक एक मतलब कितना एज तक का बच्चा मन का है यहाँ, 8-10 साल का, और कितना लेता भैया, कितना लेता फीस इकर, 30 रुपया 40 रुपया एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है। हाँ मतलब एरिया के हिसाब से, छोटा मोटा सिटी है तो माना 30 रुपया, हाँ बड़ा सिटी है तो 40 रुपया, माना देहाती क्षेत्र है तो आदमी इतना कहाँ से पैसा दे, हाँ मतलब उतना कहाँ से मिलेगा, शहर रहता है तो पैसा वैसा भी रहता है तो उनसे दे देते हैं। हाँ भैया बता रहे हैं मतलब कि उन लोग का रेट भी नहीं रहता है कोई फिक्स, मतलब गांव देहात के जगह में लगाते हैं तो कम में ही हो जाता है। और इस साइड देखिए झूला भाई, झूला की तैयारी, और इस साइड भी यहाँ पर नाव वाला झूला है, और इधर देखिए इस साइड भी आपको देखने को मिलेगा, और इधर भी देखिए, और इधर देखिए भाई इधर इधर भी है ब्रेक डांस और कुछ कुछ, और इस साइड से इधर का नज़ारा देखिए भाई, और इधर से देखिए इधर का नज़ारा गजब का दिख रहा है भाई, गजब का इधर से देखने को मिलेगा आपको, और ये देखिए यहाँ पर ब्रेक डांस है इस साइड, और यहाँ पर और कुछ कुछ है, एक छोटा सा बच्चा वहाँ खेल रहा है, ये देखिए एकदम लाठी मार रहा है इस साइड, और यहाँ पर देखिए सुपर ड्रैगन इस साइड है। तो चलिए अभी हम लोग उस पार चलते हैं, मतलब उस पार भी अभी आप सभी को दिखाते हैं,
इस साइड भी। और चलिए भाई अभी हम लोग इस साइड चलते हैं, मतलब इस साइड, और इस साइड भी अभी आप सभी को दिखाएंगे इधर कैसा नज़ारा है। और बहुत ज़बरदस्त, कैसा लग रहा है यार? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धूप कैसा है? धूप थोड़ा कम है अभी, ज़्यादा नहीं। राजन बनारस रोड जरही अभी कम हो गया है, और इधर है। और अभी हम लोग इस साइड चलेंगे और इस साइड भी अभी आप सभी को दिखाते हैं, आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा। और मेला भी दिखाएंगे भाई कि कैसा। और चलिए इधर दिखाते हैं, और देखिए इधर। और हम लोग उस साइड से आए थे भाई, उस साइड से आए थे। और देखिए यहाँ का ये मतलब यहाँ से इंड वाला है, और इधर दिखाते हैं आप सभी को। इधर होटल वोटल और कुछ कुछ है, और इधर आपको और खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा सामान देखने को मिलेगा। इधर देखिए चलिए इधर से हम लोग आ जाते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आप सभी को। और इस साइड भी देखिए, इस साइड भी आपको देखने को मिलेगा। इधर पूरा एकदम सब दुकान वकान अपना लगा रहे हैं। कल तो एकदम ज़बरदस्त भीड़ हो जाएगा कल सुबह से एकदम। देखिए भाई मतलब बहुत अच्छा जगह में, एकदम समतल जगह, एकदम अच्छा जगह में यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है और रखा गया है यहाँ पर। और देखिए इधर कितना ज़्यादा, इधर तैयारी भी हो गया है, मतलब पूरा एकदम तैयारी। और दो साइड झूला बनाए भाई, उस साइड भी झूला बनाए मतलब दिखाए, उस साइड भी और इस साइड भी अभी झूला तैयारी हो रहा है। और देखिए भाई इधर इस साइड भी मतलब अभी बहुत लंबा तक है उधर मेला। और इधर देखिए, इधर आपको देखने को मिलेगा, इधर पूरा एकदम, इधर पूरा आपको देखने को मिलेगा एकदम। ये देखिए इधर पूरा एकदम सब एकदम लगे हुए हैं, एकदम तैयारी वारी हो रहा है। और इधर बच्चे लोग यहाँ पर खेल रहे हैं भाई। और इधर देखिए अभी इधर पूरा काम चालू है, और इस साइड तो अभी बाकी है। और इस साइड भी देखिए, इधर भी अभी तैयारी हो गया है फिलहाल, और एक तो झूला अभी बाकी है इधर। इस साइड आपको देखने को मिलेगा, मतलब झूला उला अभी बन ही रहा है, मतलब उतना तैयारी नहीं हो पाया है इस साइड का। और वो तो यहाँ बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा। और हमारा दोस्त आ रहा है, यहाँ से आ रहा है आगे की ओर से। और देखिए इधर, और यहाँ पर ये देखिए झूला का सामान यहाँ पर रखा हुआ है भाई, ये देखिए इधर। और देखिए इधर आपको और देखने को मिल गया गुड़िया मारुति सर्कस, यहाँ पर से बनाया गया है यहाँ पर से। भैया इतने तो सुना 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 भैया, ए भैया बताओ इंग्लिश से बोल, बताए इंग्लिश से बोले इंग्लिश से। भैया आपका दुकान का दुकान लगा था भैया, हार्डवेयर लगता है इसमें, का सामान है भैया बताओ। देखा कड़ाही करछुल जोन बहुत सामान रखा है, बहुत सामान है अपन के पास है, कोई झारा उड़ा कड़ाही उड़ा है। कौन सा जगह में आया भैया एक बता दिया? देवगढ़ में आए हैं हम। कितना दिन का मेला लगते? 3 दिन का लगे। कब ले मेला स्टार्ट भैया? कल से स्टार्ट है, कल से 3 दिन तक मेला चलती है। हाँ 3 दिन तक चल मेला। यहाँ मतलब कितना साल से लगा था भैया? 3-4 साल होगी से। 3-4 साल में? हाँ यहाँ अच्छा लगा ला है से। तुम्हारे का दुकान पूरा व्यवस्थित लगी से? हाँ पूरा लगी से, पूरा लगी से। हाँ तो तुम्हारे कहीं एड्रेस बता दिया कहाँ जगह, अगर कोई ले आई तो तुम्हारे एड्रेस बता दिया भैया? सूरजपुर के ही, सूरजपुर से ही, और मौत के कुआं पास आ जाए सामान जो भी लेना हो। ये देखिए भाई यहाँ पर देखिए मौत का कुआं है, मतलब यहाँ पर गुड़िया मारुति, उसके जस्ट सामने यहाँ पर भैया लोग का दुकान है, मतलब हार्डवेयर का दुकान है। और इनके दुकान में आपको मतलब मिल जाएगा बहुत ज्यादा सामान मिल जाएगा, मतलब हार्डवेयर का पूरा एकदम सामान मिल जाएगा। हाँ चलिए ठीक है, इन लोग लेने आए हैं, और देखिए यहाँ पास ले रहे हैं भाई, चलिए ठीक है। और देखिए भाई इधर से यहाँ का नज़ारा है, देखिए पूरा अभी झूला उला एकदम तैयारी हो रहा है यहाँ पास। और देखिए इधर पूरा अभी, और इस साइड भी दुकान वकान बन रहा है एकदम। और इधर भी देखिए, इधर आपको देखने को मिलेगा, और इस साइड भी आपको देखने को मिलेगा, इस साइड भी। और यहाँ 3 दिन का मेला रहता है भाई, 3 दिन का मेला रहता है देवगढ़ में। और देखिए इधर होटल वोटल देखने को मिलेगा, और उधर क्रिकेट फाइनल हो रहा है सामने की ओर। और देखिए इधर पूरा रोड के आगे तक आपको देखने को मिलेगा इधर,
यहाँ तक आपको दुकान देखने को मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों हम लोग देवगढ़ से निकल रहे हैं घर की ओर, और अगला वीडियो आप किस जगह का देखना चाहते हैं कमेंट कर दीजिए। साथ ही इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।